नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हो मेरा YouTube चैनल ड्रीम सिटी ट्यूटर। तो ड्रीम सिटी ट्यूटर में आपका स्वागत है। तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो है कि हम लोग एनिमेट कैसे करें किसी भी चीज़ को। अगर आप देखते हो ना कि कोई चीज़ ब्लूम हो रहे हैं या फिर थोड़े से जूम होके आ रहे हैं या फिर एनिमेट हो रहे हैं, तो उस तरह की चीज़ों को आप कैसे बना सकते हो। इलस्ट्रेटर के बारे में भी थोड़ा सा बताऊँगा कि इलस्ट्रेटर में अगर आपके पास कोई वैक्टर इमेजेस हैं और वैक्टर फ्लावर हैं तो कुछ भी डिज़ाइन हो सकते हैं। तो कुछ भी चीज़ जो आपको इलस्ट्रेटर में या फिर आपके पास जो वैक्टर इमेजेस हैं उसको आप लेकर किस तरह से वर्क में ले सकते हो। तो आज मैं इस टॉपिक के ऊपर में आपको दिखाने वाला हूँ आफ्टर इफेक्ट्स में एनिमेशन, राइट। तो चलिए सीधा चलते हैं हम लोग अपने कंप्यूटर पर। तो सबसे फर्स्ट आपको करने क्या है, आज जो मैं बताने वाला हूँ वो वैक्टर के ऊपर में है कि अगर आप वैक्टर अगर आपको पता है या फिर कोई भी अगर आपके पास इमेजेस है पीएनजी इमेजेस हैं उसको भी लेकर आप वर्क में ले सकते हो। तो मैं जैसे कि मान लो मेरे पास ये ईपीएस फाइल है, एक्चुअली ये डाउनलोडेड फाइल है और मैं सेव आपको आपके इसके लिंक को मैं शेयर कर दूंगा आपने डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से इस इमेज को आप डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे फर्स्ट में क्या है कि जैसे मान लो कि मेरे पास ये कुछ इमेज हैं कुछ इस तरह से फ्लावर के, तो आप देख सकते हो कि लेयर्स में आपको यहाँ पे बहुत सारे लेयर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप इसको क्लिक करोगे तो सारे चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे वन बाय वन आप चेक कर सकते हो कि इस तरह से आप ले सकते हो अपने इमेजेस को, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। ओके, तो आप चाहो तो एक एक न्यू लेयर पर लेकर आप एक एक चीज़ को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो यहाँ पर कुछ ऐसे। तो ये एक एक में चले जाएँगे या फिर, तो यहाँ पर मेरे पास सारे चीज़ें आ गए हैं कुछ इस तरह से। तो आप चाहो तो सारे को सेव करके आपको लेके चले जाना है अपने आफ्टर इफेक्ट्स में, या फिर आप यहाँ पे एक एक इंडिविजुअल भी आप सेव कर सकते हो, लाइक पीएनजी काइंड ऑफ आप कर सकते हो। तो यहाँ से मैंने जो भी इंडिविजुअल सेव किए थे आप उसको मैं क्या करता हूँ यहाँ से जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ अपने आफ्टर इफेक्ट्स में कुछ इस तरह से, एंड देन अगेन जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे आपके फ्लावर जो मैंने वहाँ पर बना रखे थे कुछ ऐसे। जब भी आप वैक्टर लेकर आते हो अपने यहाँ पे वर्क करने के लिए, तो आप देख सकते हो कि ये कम्प्लीटली आपको ऐसा दिख रहा है जैसे कि पूरे पिक्सेलेट हो चुके हैं। आपको करना क्या है, जब भी आप यहाँ पे जाओगे यहाँ पे क्लिक कर दो, आप यहाँ पे क्लिक कर देना जो आपको यहाँ पे स्टार वाले मार्क दिख रहे हैं, उससे क्या होएगा कि आपके जो भी इमेज दिखेंगे वो कम्प्लीटली वैक्टर शेप में दिखेंगे या वैक्टर फॉर्मेट में दिखेंगे। और ये आप देख सकते हो कि अभी आपका यहाँ पर जो क्लैरिटी है वो कम्प्लीटली वैक्टर स्टाइल में आ गए हैं। तो जब भी आप लेकर आ रहे हो कोई भी EPS AI फाइल्स वगैरह जो वैक्टर होंगे उसको आपको अगर कन्वर्ट करना है हाई रेजोल्यूशन में, तो इस स्टार वाले को आप क्लिक कर देना तो आपके यहाँ पे आ जाते हैं। फाइन, तो ये इजीली कन्वर्ट कर देते हैं आपको रास्टर टू वैक्टर। ओके, चलो अब मैं क्या करना है, मुझे यहाँ पे एनिमेट करना है। अब इसके एक तरीका मैं बताता हूँ जो बहुत इजी है, एंड देन आप उस पर वर्क करो। तो सबसे फर्स्ट मेरा यहाँ पे है ये टॉप वाले, आप देख सकते हो इसको आप सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे जो फ्लावर है उसको मैं एनिमेट करना चाहता हूँ, तो फर्स्ट जो टॉप वाले फ्लावर है उसको सिलेक्ट कर लो, एंड देन चले जाओ आप सिंपल सा। आप चाहो तो हाइड कर सकते हो सभी को, वन बाय वन मैं करना चाहता हूँ एनिमेट, तो आप पहले इसको ले लेना एंड देन विंडो में चले जाओ। विंडो में आपको सबसे फर्स्ट मिलेगा यहाँ पे एंकर पॉइंट मूवर, तो इसको क्लिक कर देना। देखो इससे क्या होता है ना, जो भी आपने यहाँ पे ले रखा है उसके सेंटर पॉइंट को ये दिखाता है, जैसे कि क्लिक करोगे तो इसके जो सेंटर पॉइंट है उसको आप एडजस्ट कर सकते हो इसके थ्रू। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट आप चले जाना जो आपके यहाँ पे इमेज है, एंड देन इसके थ्रू भी आप जाकर विंडो में जाकर एंकर पॉइंट के थ्रू आप उसको एडजस्ट कर सकते हो जहाँ पे भी आपको चाहिए होंगे। तो ये देखो यहाँ पे एंकर पॉइंट है, बट अगर प्रॉपर नहीं होएगा तो वो बीच में नहीं आएंगे, तो मैनुअली भी थोड़े से आप इसको एडिट कर सकते हो या फिर इसको प्लेस कर सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेंटर में तो आ गया, थोड़े से और आपको यहाँ पे ठीक कर लेना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आपको अपने एंकर पॉइंट्स को अगर सही पोजीशन पे लाने हैं तो एंकर पॉइंट मूवर आप ले लेना। तो फर्स्ट काम तो मैंने ऐसे कर दिए यहाँ पे। अब इसको मैं चाहता हूँ एनिमेट करने के लिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं विंडो में जाऊँगा एंड देन यहाँ पर आपको आ जाता है एनिमेशन कंपोजर, सब में मिल जाएंगे आपको आफ्टर इफेक्ट्स में। आपको जस्ट इसको ओपन कर लेने हैं, इसको सेलेक्ट करने हैं एंड देन आपको जाकर यहाँ पे एनिमेशन कंपोज़र को ले लेना है। तो एनिमेशन कंपोज़र में सबसे फर्स्ट आपको जो ऑप्शन मिलता है स्टार्टर प्रीसेट्स, क्लिक कर दो आप। अब देख सकते हो यहाँ पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपको जो ट्रांजिशन काइंड ऑफ है या मोशन है वो आपको मिल जाएंगे। तो आपको जैसे भी चाहिए होंगे
वैसी चीज़ें आप उस तरह के एनिमेशन आप ले लो। तो मेरा फेवरेट कुछ इस तरह से है जो कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ओके, तो जस्ट क्लिक कर देना एंड देन यहाँ पे बोथ ले लेना। आपको इन एंड आउट नहीं लेने, आपको बोथ लेने हैं। जैसे इज इन इज आउट बताया था प्रीवियस में, कुछ वैसे ही है। तो इसमें इज इन इज जो है वो इज इन इज आउट दोनों हैं, इसके लिए आपको ले लेने हैं। यहाँ पे क्लोज कर दो। अब आप एनिमेट करके देखो सी, तो आपको यहाँ पे वो एनिमेशन दिख रहा होगा जैसे जूम होके आ रहे हैं, पॉपअप होके आ रहे हैं। तो पॉप होके आने के लिए आप इस तरह से ले सकते हो। सेकेंड में फिर से मैं ऐसे ही लूँगा, जो सेकेंड वाले हैं उसको आप इनेबल कर दो जो बैक साइड में है। एंड देन अगेन मैं जाऊँगा, इसके एंकर पॉइंट को आपको सिलेक्ट करने हैं, तो एंकर पॉइंट आपको सेंटर पर ही रखने हैं। तो क्लिक कर दो आप, ओके, एंड देन आई थिंक उसके सेंटर में ही होने चाहिए। अगर आप शो एंड हाइड करके इसको देख सकते हो तो आई थिंक ये ठीक है, अपने जगह में आ गए हैं। जस्ट आपको यहाँ पे ले लेना है एंकर पॉइंट वाले आइकॉन को एंड देन एडजस्ट कर लो। आई थिंक यहाँ पे ठीक है प्रॉपर। फिर से मैं क्या करूँगा, इस पर भी सेम काम करूँगा। मैं एनिमेशन पे जाऊँगा, तो मैं विंडो में जाऊँगा एंड देन यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एनिमेशन कंपोज़र। ओके, तो एनिमेशन कंपोज़र में फिर से जाओ आप एंड देन आप ले लो सेम थिंग। बहुत है सारे, आप ट्राई करके देख लेना, बट मैं इसको ही ले लेता हूँ यहाँ पे एनिमेशन पे। सी, इस पे भी एनिमेशन आ गए हैं, आप देखोगे तो कुछ इस तरह से वो आ रहे हैं। ओके, सेम थिंग आपको सब पे रिपीटेशन करने हैं। तो सिलेक्ट करो, इसको भी इनेबल कर दो। अभी आपकी ये फ्लावर का देखो रजिस्ट्रेशन पॉइंट यहाँ पे है, बिकॉज ऑफ कि मैंने पीएनजी किया था तो ये प्रॉपरली नहीं आया। पूरे डॉक्यूमेंट को मैंने एज इट इज़ सेव कर दिया था, इसके लिए आपको सेट करने पड़ेंगे। तो क्लिक करके आप पहले तो सेट कर लो उसके सेंटर पे एंड देन एनिमेशन पे जाओ, कंपोज़र पे जाओ एंड देन आपको पिक कर लेने हैं अगेन सेम। तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे ये वाले एंड देन क्लिक कर देना बोथ, क्लोज कर दो। ये भी हो गया है, इसको भी मैंने अभी हाइड कर रखा है। नेक्स्ट वाले को मैं लेके आ जाता हूँ यहाँ पे, इसके भी सेंटर पॉइंट आप देख सकते हो। तो क्लिक करो, इसके सेंटर पूरे डॉक्यूमेंट के सेंटर में है, तो मैं इसे यहाँ पे भी लेके आ जाता हूँ। अगेन विंडो में चले जाओ, एनिमेशन कंपोज़र में चले जाना फिर से यहाँ पे एंड देन आप यहाँ पे ले लो फिर से ये वाले ही हमें चाहिए होंगे एनिमेशन। सी, अब यहाँ पे आ जाओ, इस पर भी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आ जाता हूँ लिफ। अब लिफ का एज पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाना है। तो फिर से मैं क्या करूँगा, इसको ड्रैग करके यहीं पे रख लेता हूँ। आप चाहो तो कॉर्नर वगैरह भी यूज़ कर सकते हो कहीं पर भी, तो इससे अरेंज कर सकते हो, बट मैनुअली आप ज़्यादा बेटर कर लो। ओके, प्रॉपर, बिकॉज आपका यहाँ पर सेव नहीं है, इसके लिए आप मीन्स अरेंज नहीं है, तो आपको मैनुअली ले लेना है। विंडो एंड देन कंपोजर अगेन क्लिक, फिर से मैं इसे ले लेता हूँ एंड देन लास्ट वन। लास्ट वाले को भी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, लास्ट को भी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके जो एंकर पॉइंट है वहाँ पे मैं एडजस्ट कर लेता हूँ एंड देन मैं फिर से विंडो कंपोजर पे गया, क्लिक कर दो एंड देन यहाँ पे ले लो। तो आप डिफरेंट डिफरेंट ट्राई कर सकते हो, बट मैं मेनली यही यूज़ करता हूँ, तो मैं इसे ले लिया मैंने। अब आप सबको इनेबल कर दो, आप देख सकते हो आपके एनिमेशन जो है कुछ इस तरह से पॉप हो रहे हैं। सी, ओके, तो रेजोल्यूशन आप फुल के जगह मैं कर देता हूँ यहाँ पे थर्ड, तो थोड़े से एनिमेशन स्पीड बढ़ जाएंगे। तो कुछ इस तरह से आप एनिमेशन यहाँ पे कर सकते हो। सी, जैसा मैंने यहाँ पे कर रखा है, फाइन। अब इसको करना क्या है, जब भी आप करोगे तो यहाँ पे आप मूव टूल पे आ जाओ एंड देन मैं क्लिक करके थोड़े से आगे कर देता हूँ। जैसे ये अपने जगह पे है, इस सेकेंड वाले को मैं क्या करता हूँ थोड़े से आगे कर लेता हूँ, इसे भी थोड़े और आगे कर लेता हूँ, इसे भी थोड़े से और आगे कर लो आप। तो इस तरह से थोड़े थोड़े से आपको क्या करना है, थोड़ा सा एनिमेशन जो है ना वो थोड़ा रैंडम स्टाइल में आपको ले लेने हैं यहाँ पे कुछ ऐसे। ओके, तो मैं थोड़े थोड़े से आगे खिसका दे रहा हूँ यहाँ पे ये भी। ओके, तो आप देखोगे ना तो वन बाय वन आएंगे, मीन्स एक आएगा फिर उसके बाद सेकेंड आएंगे, कुछ ऐसे पॉप होता हुआ सा दिखेगा। तो इस तरह से आप कर सकते हो, चाहो तो जैसा भी आपको चाहिए होगा। ये आ गया, फिर उसके बाद पीछे थोड़े से आपका टाइम डिले हो रहा है, तो थोड़ा फर्स्ट पहले कर देता हूँ, तो थोड़े से पहले मीन्स इतना सी। उसके बाद ये आया, ये फ्लावर आए, ये फ्लावर नहीं, फ्लावर के बाद मुझे चाहिए होगा उसके लीफ जो आ रहे हैं वो पहले आ जाए। तो मेक श्योर कि आप थोड़ा सा बेटर तरीके से इसको कर लें, फुल कभी भी मत रखना, वर्क करने में थोड़ा प्रॉब्लम होंगे ऐसा। ये फ्लावर भी आपको बाद में आने हैं, लीफ को पहले लेके आना। तो इसको अरेंज कर लो कि जो फ्लावर आ रहे हैं उसके साथ, उसके बाद
उसके लीफ आए कुछ ऐसे, अब ये आया है उसके लीफ को यहाँ पे और आगे कर लो थोड़े से ऐसे, देखो आप। ओके तो लीफ पहले आ गए यहाँ पे, तो लीफ को थोड़े से या ये लीफ थोड़ा से पीछे कर दो आप। ऐसे फाइन। तो बोलने का मतलब है कि कुछ इस तरह की अगर आपको एनिमेशन बनानी है तो आप बहुत ही ईजी वे में आप बना सकते हो यहाँ पे एनिमेशंस को कुछ ऐसे। ओके तो पॉप होकर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आपको यूज़ करना है तो बहुत बेटर तरीके से आप यूज़ कर सकते हो अपने एनिमेशन कंपोज़र को। तो क्लिक करो एंड देन यहाँ पे एनिमेशन कंपोज़र को आप कुछ इस तरह से ले सकते हो जैसा आपको चाहिए होगा ऐसे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक आफ्टर इफेक्ट्स में कि किस तरह से आप किसी भी चीज़ को पॉप कर सकते हो, एनिमेट कर सकते हो बहुत इजी वे में। आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी है। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड देन अपना प्यार इसी तरह से बरकरार रखें। मिलते हैं हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स के न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।